ठीक है ना, सबको यस सर। विजिबल है। ओके तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये स्क्वायर क्यूब टेबल पढ़ते क्यों है, मतलब ये स्क्वायर की ट्रिक्स हम लोग पढ़ते क्यों है, क्योंकि जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हो तो अगर आपको कोई बड़े नंबरों का स्क्वायर ऐसे पूछ दिया गया, बड़े नंबरों का स्क्वायर पूछ दिया गया, तो आपको विद इन बहुत कम टाइम के अंदर जो है आना चाहिए, ठीक है। बट मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ने 25 तक के स्क्वायर्स जो है याद करके रखे ऑलरेडी, ठीक है, बट एग्जाम में कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने 23 का स्क्वायर अगर एग्जाम में पूछा तो थोड़ी देर के लिए एग्जाम में कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है, तो हम लोग को ये ट्रिक जो है वो हमेशा काम में आती है, ठीक है ना। शादी आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो मैंने लास्ट लेक्चर में सभी को बोला था कि स्क्वायर जो है स्क्वायर्स जो है वो हम लोग को 25 तक, क्यूब जो होता है वो 15 तक, और टेबल जो है आपको बुक में जो है 25 तक, ये तीनों चीजें आपको लिखनी है और अच्छे से याद करनी है, ठीक है ना। तो आप भी जो अपने बुक में ये तीनों चीजें लिखकर अच्छे से उसको बायहट कर लो, ठीक है। ओके तो आज जो है हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है इसका ट्रिक सीखते, तो सबसे पहले मैं आप लोग को आज सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सपोज सपोज मैंने कोई एक नंबर दिया है आपको, 74 आपको दिया है, 74 का स्क्वायर मैंने आपको पूछा है। तो किसी भी चीज का स्क्वायर हम लोग तीन स्टेप में निकालते, किसी भी चीज का स्क्वायर हम लोग तीन स्टेप में निकालते। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, पहले सब सबको आपको मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। सबको आपको जो है मल्टीप्लाई कर लेना होता है। कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, राइट है ना। और फिर इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, चलो क्विक आंसर बोलते जाओ। फिफ्टी सिक्स देखो, इसीलिए मैंने टेबल्स अच्छे से बाहर करने के लिए कहा था, क्योंकि काम में आता है हर जगह, तो 56 आ गया, ठीक है। अब एक बात याद रखना, हम लोग फर्स्ट स्टेप में हमेशा एक जीरो जो है हमेशा यहाँ पे लगाते हैं, या आप भूल जाओगे शुरू शुरू में, क्योंकि ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप में आपका जो भी आंसर आएगा आप हमेशा एक जीरो लास्ट में लगाते हो, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आप 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आप इंडिविजुअल लिखते हो, ठीक है। मैं दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ज्यादा रश मत करो समझने में। हाँ, तो 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 7 का स्क्वायर 49। और लास्ट में आपको इसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, और आई थिंक प्लस करने में इसको ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है चलो, अगर मैं इसको फिर से करूं एक शॉट, मतलब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूं कि सर एग्जाम में तो अपने को टाइम ज्यादा इसको निकालने में ज्यादा लगेगा नहीं ना, लगना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका फर्स्ट स्टेप का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट स्टेप का आंसर कितना आएगा इसका, फर्स्ट बट आप 60 नहीं बोलोगे, 600 बोलोगे, 600। हमेशा एक जीरो जो है आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा आपको एक जीरो हमेशा फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे आप, दोनों के स्क्वायर 25 स्क्वायर। हाँ, पहले आप 36 लिखोगे, हाँ पहले आप 36 और 25, पहले आप 36 लिखना, ताकि हम लोग पीछे से शुरू कर रहे हैं ना। और इसका अगर मैं आपसे एडिशन पूछूं तो कितना होगा, 3136। एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप देखकर एकदम क्लियर समझ रहे हो कि हम लोग स्क्वायर का ट्रिक कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ सर, और ये एक्चुअली बहुत इजी है, तो आपको जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में करने के लिए,
तो सबसे पहले काम करो, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लिख दो। इसके बाद मैं आपको पांच क्वेश्चन देता हूँ और वो पांच क्वेश्चन को आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करके मुझे दिखाना है, ठीक है? जब आप नोट्स नोट्स बना रहे हो तो ये दो क्वेश्चन को अच्छे से लिख दो। ठीक है, आप अपने बुक में ना ये जीरो के बारे में अपने लैंग्वेज में, मराठी हिंदी जो भी है, आप पहले से लिख दो कि पहले स्टेप में जो है वो आपको जीरो एक्स्ट्रा हमेशा लिखना होता है, ताकि वो बाद में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। वैसे प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं पांच क्वेश्चन दू? यस सर। चलो ये पांच क्वेश्चन देखते आप लोग कितने कम टाइम में निकालते हो। चलिए पांच क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सबको आई थिंक दिख रहा होगा अच्छे से। चलो निकाल लो फटाफट। चलो मैं भी आप लोगों के साथ में निकालते रहता हूँ। सर रुको, हो गया। नहीं, आप निकालो, मैं अलग निकाल रहा हूँ, ठीक है? सर हो गया। हो गया? चलो बहुत अच्छे, चंदन जल्दी हो गया। वो जूना वाला ट्रिक यूज किया सर, कौन सा वाला? वो फोड़ करके, नहीं क्या, दोनों का बीच के बीच में से फोड़ करके अच्छा, मतलब आप जानते हो ना इसका जो, कोई हाँ, ट्रिक। चलो ठीक है, अगर वो आप, आपने हाँ आपने पढ़ाया था क्लास में। अच्छा, ओके ओके, समझा समझा। वो बोला मतलब इसको 44 बना के वैसा वाला? नहीं, वो बीच में से आपको देखा हो क्या वीडियो ऑन करके? इसमें होगा क्या वैसे? हाँ, नहीं होगा शायद, इसमें ऐसा मैं नहीं होगा। आपको फोटो भेजता हूँ सर। हाँ चलेगा चलेगा, से भेज। गया सर। हो गया, चलो परफेक्ट। निखिल आपका कितना क्वेश्चन हुआ? कितना क्वेश्चन हुआ निखिल?
कितना हुआ? अच्छा पांच दिए है ना अपने, हो हो गया, पांचों हो गए, गया। ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट। हो चलो गए। सो फर्स्ट वाले का आंसर कितना है सबका? 1936। चलो बहुत बढ़िया। सेकंड का 6956। 69 आ रहा है। बाकी लोग 7056। 7056। हाँ सादे, ये चेक कर लो आपने कहाँ पे गलती किया है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो 640 आएगा, क्योंकि 8 4 32, 32 का डबल होता है 64, और एक जीरो, फिर 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो आपने देखो कहाँ पे मिस्टेक किया है फिर। सॉरी देखो मैंने कुछ तो गलत लिखा है, 84 नहीं है, 64 है ये। यस 7056 है ना, 7056। थर्ड वाले का आंसर 2913। 2916 आएगा। 1616। फोर्थ वाले का 1296। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और लास्ट वाले का 9409। सदे यहाँ पे 2 लिखा है क्या? ठीक हाँ। है, तो एक बार जरा फिर से चेक कर लो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, और वैसे ही हम लोग को एग्जाम में करना होता है, बट थोड़ा सा फास्ट फास्ट करने में मिस्टेक ज्यादा होती है, ठीक है ना? तो एक बार जरा इसको दोबारा चेक करना, ठीक है? चलो, ये अभी तक हम लोगों ने जो सीखा ना, ये एक्चुअली वेरिएशन वन था, ठीक है ना? मैं 3 वेरिएशन में आपको ये चीजें सिखाऊंगा, ये वेरिएशन वन था। अभी हम लोग वेरिएशन नंबर 2 सीखेंगे, ठीक है ना? वेरिएशन नंबर 2। और वेरिएशन नंबर 2 क्यों, कहाँ पे यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्लियर है ना सबको? यस सर। वेरिएशन नंबर 2 उन नंबरों का स्क्वायर होता है जिसके लास्ट में ऐसे नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है। फॉर एग्जांपल 61 के लास्ट में 1 है ना, 61 के लास्ट में 1 है और उसका जो स्क्वायर है वो 1 आता है। और अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूं, यहाँ पे 2 की बात, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, इन सभी का जो स्क्वायर है वो सिंगल डिजिट में आता है, बराबर है, है ना? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, इसमें आपको कैसा ध्यान रखना होता है कि सर जो फर्स्ट स्टेप है ना वो एकदम सेम है, 6 × 1 × 2 दैट विल बिकम 12, और एक जीरो आपको हमेशा लिखना है, और सेकेंड स्टेप में 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। पर आपको देखो इसको लिखना कैसे, ये जो 1 का स्क्वायर है ना, आप कभी भी 1 नहीं लिखोगे, आप हमेशा 01 लिखोगे, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी आप यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर सिंगल डिजिट में नहीं लिखते हो, डबल नंबर में लिखते हो, ठीक है? तो ये जो सेकेंड वेरिएशन है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है कि जब भी आपको ऐसे नंबरों का स्क्वायर पूछा जाएगा जिसके लास्ट में सिंगल डिजिट आता है, उसके नंबरों का स्क्वायर सिंगल डिजिट आता है और उसमें 3 ही नंबर है, 1 है, 2 है और 3 है, तो आपको हमेशा यहाँ पे 01 लिखना है, 04 लिखना है या 09 लिखना है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं बस वही बातें इसका प्लस कर दूंगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है? अब मैं अगर आपसे 52 का स्क्वायर पूछूं तो फर्स्ट स्टेप का आंसर कितना आएगा? 20। तो आप इसको 200 लिखोगे, ठीक है? और सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे आप? 3002। थ्री नहीं, 3002। अच्छा आप आंसर बता रहे हो, 0225। 04 और 25 ना, 2 का स्क्वायर 04 होगा ना, 04 है ना, तो इसका आंसर जो है 2704 आएगा, 2704। तो देखो ये जो 01 है ना और ये जो 04 है, आपको बस इस बात पर ध्यान रखना है कि जब भी आपके लास्ट में 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, तो आपको 01
जीरो फोर या जीरो नाइन लिखना है वहां पे स्क्वायर में, ठीक है? ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? तो ये छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है। अब पहली बात तो ये दो क्वेश्चन को आप लिख लो, और अपने लैंग्वेज में ये जो जीरो है भी आपने क्यों लिखा है वो अच्छे से लिख लो, मराठी हिंदी जो भी लैंग्वेज में लिखना है वो लिख लो। हाँ चंदन, समझ गया मैं आपने वो कैसे किया है। हाँ वही है, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है वो वाला, बराबर, एकदम सही। हाँ हाँ वो वाला। ये भी एक्चुअली मालूम चंदन वही चीज है, देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है, और ये टू हाँ ए बी हाँ है ना, ये वो भी जो वही है सर, लेकिन बस लेकिन लिखा वो अलग जो तरीके से। पहले, हाँ वो ये पहले से यूज करता हूँ ना मैं, हाँ नहीं इसके चलेगा, लिए। चलेगा कोई नहीं, आप अगर पहले से यूज करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया सादिया निखिल, हो गया लिख के। यस सर, हो गया सर। चंदन आपको जैसे पहले से पता वैसे ही निकालो, ठीक है ना? तो ओ यस सर। चलो फिर से पांच क्वेश्चन देता हूं मैं, इसका आंसर फटाफट निकालो आप लोग। ठीक है, लास्ट में देखो, 3 2 3 2 1 मैंने ऐसे नंबर लिखे जिसका स्क्वायर जो है सिंगल डिजिट में आता है, तो आपको 03 09 04 और 01 का यूज करना है। चलो मैं भी निकालते रहता हूँ आंसर। हो गया सर। हो गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो निखिल सादिया कितने क्वेश्चन हुए? हो हो गया सर, चार हुए गया, सर। ओके ओके, चलो एक लास्ट वाला भी कर लो। वेरी गुड सादिया, चलो अभी देखेंगे कि सारे के सारे राइट है या नहीं। ठीक है, मैंने इधर आंसर वैसे लिखे हैं तो आप लोग चेक कर लो, अगर मेरा कुछ मिस्टेक है तो राइट। मुझे बता देना। ठीक है, पहले गया सर। हो गया, चलो चेक करते हैं पहले नहीं वाले का आंसर। नहीं
5329 दूसरे वाले का 7 2704 ओके, तीसरे वाले का 3639 6 6 3969 ओके, फोर्थ वाले का 6 7 6 7 2 4 2 8 1 हाँ, और लास्ट में 8 2 8 1 8 2 8 1 ठीक है, सब राइट है आप लोगों का कि कुछ एक रॉन्ग हो गया? नहीं, चलो ठीक है, परफेक्ट एकदम। सो ये है हम लोग का स्क्वायर का ट्रिक, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। बट इसमें एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करूंगा, एक छोटा सा ट्रिक और। अब ये जो वेरिएशन नंबर 3 सिखा रहा हूं मैं, वेरिएशन नंबर आपको 3 सिखा रहा हूं, ये कौन से नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं? इसके लास्ट में, जिसके लास्ट में ये स्क्वायर का जो वेरिएशन है, मैं क्यों सिखा रहा हूं, ऐसे नंबरों का स्क्वायर जब आप निकालोगे जिसके लास्ट में 5 होता है, 65 75 85 105 125, अगर मैंने इनका स्क्वायर आपको पूछा तो आप कैसे निकालते? देखो इसको हम लोग अभी तक जो मेथड यूज कर रहे थे ना, वैसे तो हम लोग कर सकते हैं, बट क्या आप लोग में से कोई जानते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे? हाँ सर, कैसे? हाँ सर जानते हैं। बोलो बोलो। 65 का निकालने का हो तो 6 और 7 का, चलो दोनों जन सेम बात बोल रहे कि सर 6 के आगे जो आता है वो आता है 7, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बनता है 42, और लास्ट में क्या आएगा? 25 25 25। एकदम परफेक्ट, चलो बहुत अच्छे। साध्या समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हम लोग ने बोला अभी, जैसे अगर मैंने 85 का स्क्वायर पूछा तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले? 6 × 6 7 नहीं नहीं नहीं, 85 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ, 85 का 8 के आगे जो आता है नंबर वो 9 आता है, तो 8 9 72, और लास्ट में तो 25 भी आने वाला है, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर 105 का स्क्वायर पूछा तो 10 के आगे कौन सा नंबर आता है? 11 तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बना? 110 और लास्ट में 25, ठीक है। तो अगर मैंने 75 का पूछा तो कितना बोलोगे आप? 5625 बहुत अच्छे। और अगर मैंने 125 का पूछा तो क्या बोलोगे? 15625 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 15625। तो 12 के आगे आता है 13, सो आपने बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई किया, 15625, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग का आज का जो स्क्वायर का ट्रिक है वो कंप्लीट होता है, और अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना, स्क्वायर का ट्रिक आई थिंक एकदम क्लियर है। Yes, sir. बट कितना भी इजी क्यों ना होने दो, आपको जो है, आपको जो है टेबल स्क्वायर क्यूब एक रेंज तक याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट की। अभी तक तो हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते। सर अक्सर देखो हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं ना, तो आपको रूट की वैल्यू अक्सर देखने के लिए मिलती है, 7 9 2 1, ऐसे रूट की वैल्यू अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो अभी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये छोटा सा क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का एरिया में, पार्ट में आ गया, तो आप इसको आप कैसे निकालोगे? तो देखो रूट निकालने का क्या मेथड होता है, रूट निकालने के कितने स्टेप्स होते हैं और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। रूट तो सब लोग समझ रहे हो, आई थिंक रूट तो सभी लोग समझ रहे हो। Yes, जैसे 36 का कितना आ जाएगा रूट? 6 6 6। 729 का रूट कितना आएगा पता है? नो 7 729 27 27 है, एकदम पर, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर जैसे 484 का मैंने पूछा तो कितना बनेगा?
22 22 एकदम गुड। तो रूट जो है अगर आपको स्क्वायर्स याद है कुछ जगहों तक, तो आपको जो है छोटे छोटे नंबरों का रूट तो इजीली मिल जाएगा। बट अगर मैंने बड़े नंबर का रूट पूछा तो कैसे निकालते, तो देखो सबसे पहला जो स्टेप है कि आप जो है इसको तोड़ देते हो, लास्ट के नंबरों को अलग रखते हो दो नंबरों को और बाकी के बचे हुए नंबर को अलग रखते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट का जो दो डिजिट है आप उसको अलग ले लेते हो और उसके बाद जो नंबर बचेगा उसको आप अलग ले लेते हो। ठीक है, अभी 79 आपको क्या बताएगा कि स्टार्टिंग का नंबर कौन सा है और 21 आपको क्या बताएगा कि लास्ट का नंबर कौन सा है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि 79 के क्लोज में, 79 के क्लोज में किसका स्क्वायर आता है जो उससे छोटा होना चाहिए। 79 का, 8 का 64, क्योंकि 64 आता है। ठीक है ना, 64 और 81 ये दोनों भी इसके क्लोज है, 79 के दोनों भी क्लोज है, बट 81 बड़ा नंबर है इसलिए 81 मैं नहीं लूंगा। ठीक है, 81 बड़ा नंबर है इसलिए मैं 81 नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, 8 का, तो मेरा जो शुरू का नंबर है वो है 8। ठीक है, अभी लास्ट में देखो, अभी ये दोनों नंबर लास्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको लास्ट में? 1 दिख रहा है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ किस नंबर के, किस स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, कौन से नंबर के? 1 और 9 जैसे। ठीक है ना, इस अगर आपको 9 तक के स्क्वायर अच्छे से याद है सो यहाँ पर जो आपका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 आता है तो लास्ट में 6 आ गया, 5 का 25 आता है तो 5, 36, 79, 80, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 आता है, बराबर है? ठीक है, तो आपको 1 कितने लोगों के पीछे दिख रहा है? एक 1 के पीछे 1 दिख रहा है और एक 9 के पीछे 1 दिख रहा है। मतलब इसका आंसर 1 और 9 में कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका आंसर 81 भी आ सकता है और इसका आंसर 89 भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना, तो 81 और 89 में से कौन सा नंबर लूं मैं? तो हम लोग हमेशा थर्ड स्टेप बीच में 5 रख के इसका स्क्वायर निकालते हैं, हमेशा 7 2 5 7 2 2 5 2 5। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो नंबर है क्वेश्चन में जो दिया गया नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना, ये 7921 इस नंबर से बड़ा दिख रहा है ना आपको, बराबर है ना? 7921 आपको 7225 से बड़ा नजर आ रहा है ना, तो आपका आंसर क्या आ गया? 89। अगर छोटा होता तो मैं क्या बोलता? 81। चलो एक बार और करते हैं। 5 जो है ना हम लोग उसको कंपेयर करने के लिए निकालते हैं। 5 जो है ना हम लोग हमेशा उन ऐसे स्क्वायर रूट को कंपेयर करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, कंपेयर करना पड़ता है क्या? कंपेयर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे मुझे दो नंबर मिल रहे हैं ना, अब दो नंबरों में कौन सा राइट है उसको निकालने के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम लोग एक और क्वेश्चन समझते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। मान लो अगर मैंने रूट यहाँ पर पूछा है 5329 का, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 5 सबसे पहले ये दो नंबर अलग कर दो और बाकी के नंबर को अलग कर दो। ठीक है, अभी 53 के पास में किसका स्क्वायर आता है? 7 का। ठीक है, और 9 किसके पीछे आता है? 3 और 7। तो मेरा आंसर जो है वो 73 भी हो सकता है और 79 भी हो सकता है ना। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, 75 का स्क्वायर निकालूंगा। हमेशा बीच में 5 रख के आपको उसका स्क्वायर निकालना है हमेशा। तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
5625. अब ये नंबर को देख लो आप, ये नंबर आपको बड़ा नजर आ रहा है या छोटा नजर आ रहा है? छोटा है सर. छोटा है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 73. सादिया समझा आपको? सर 5 6 कुछ क्या आया? 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर निकालना सीखा था ना अभी थोड़ी देर पहले. यस सर. है ना, तो 7 के आगे 8 आ गया, तो 7 8 56 25. अब ये नंबर को देख लो, ये नंबर जो है ये वाला क्वेश्चन का नंबर इससे छोटा है, तो छोटा नंबर आ जाएगा आपका. ठीक है, चाहिए तो इसको लिख लो जरा, चाहिए तो दो क्वेश्चन और साथ में करते हैं, दो क्वेश्चन साथ में करते हैं. सर लिख लेते हैं इसको. हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो. ये दोनों क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में जैसे आप लिख सकते हो आप अच्छे से लिख लो, मराठी में लिख लो कि पहला स्टेप कि लास्ट का दो नंबर अलग ले लो, बाकी के नंबर अलग, आप अच्छे से उसको लिख लो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे. ये मीटिंग जो है ना शायद 3 मिनट के बाद जो है खत्म हो जाएगा, तो मैं वापस से मीटिंग क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 40 मिनट का पैकेज मिलता है अपने को, है ना, तो वापस से ज्वाइन कर लेना आप लोग. ठीक है, आगे बढ़ू मैं, क्वेश्चन दो कुछ. yes. चलो एक और क्वेश्चन जरा लेते हैं, और अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही बात है कि हम लोग क्वेश्चनों को कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. चलो 9604. चलो लास्ट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 96 के आसपास वाला लेकर. हाँ 96 के आसपास वाला कोई नंबर कौन होता है, कौन है वो? 81 मतलब 9 आ गया. तो फटाक से 95 का स्क्वायर बता दो मुझे फिर. 9025. ठीक है, अब देखो लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, 4 है ना, 4 नजर आ रहा है, और 4 कब आता है, 4 कौन से स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में आता है, और कौन से स्क्वायर में आता है? 84 ना, सॉरी और 8 ना, क्योंकि 64 होता है. ठीक है ना, स्क्वायर अच्छे से याद हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम. अभी ये वाला जो नंबर है वो नंबर बड़ा है या छोटा है? बड़ा ना, 96 बड़ा जो है वो 90 से तो बड़ा ही होगा, 90 से बड़ा है, तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा? 90. मतलब जब आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम में इस रूट को निकालने में 5-6 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा. ठीक है सादिया, क्लियर है? मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूं या फिर थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूं? दो तीन क्वेश्चन,
चलो ठीक है, तो अभी हम लोग और सॉल्व करते जरा साथ में। चलो मान लो अब थोड़ा सा मैं बड़ा नंबर लिख ले लेता हूँ, जैसे कि 1024। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें, वन जीरो फोर 104 को अलग और 4004 को अलग। 104 के आगे किस पास में किसका स्क्वायर है? टेन का, टेन का तो मैं हंड्रेड फटाफट 105 का स्क्वायर निकाल लूंगा। वन वन जीरो टू फाइव, ठीक है ना सादिया? क्लियर है ना, एकदम समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, 1102 5। अभी लास्ट में क्या दिख रहा है आपको फिर? चलो ठीक है, वो मेरा क्वेश्चन वैल्यू क्या दिया था? 10404। 10404। आप लोगों ने 10 बता दिया था मुझे, तो हम लोगों ने 105 का स्क्वायर निकाला था, 1102 5। वन वन जीरो टू अब फाइव लास्ट में 4 किसके आता है? 2 के आता है और 8 टू के आता और है, एट तो आंसर कौन सा होगा इसमें से? 102। 102। 102, क्योंकि ये ऊपर वाला जो नंबर है वो इससे छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा नजर आ रहा है। ठीक है चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप सॉल्व करो आराम से। सादिया वॉइस आ रहा है आपको? यस सर, सर एक बार रिपीट करो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, 7969। ठीक है चलो, अभी सर सादिया आप बोलो, सबसे पहले मैं क्या करूँ? पहले 7 5 के आसपास वाला कोई भी ले स्क्वायर, ले फिर। हाँ कौन सा होगा वो? एट एट सिक्सटी होगा, फोर 8 होगा। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगा? उसके बाद में 6 9 का स्क्वायर ले लो। नहीं, 9 किसके पीछे आता है, किस स्क्वायर के पीछे 9 आता है? थ्री और 3 के आगे और 79 थ्री और सेवन। तो आपका आंसर 83 भी आ सकता है और 87 भी आ सकता है। ठीक है, यस तो हम लोग क्या करते हैं इसको कंपेयर करने के लिए, 85 85 का स्क्वायर, चलो कितना होगा? 85 का कम ऑन, 8 के आगे कौन सा नंबर आता है? 8 9 9, तो 8 9 जा 8 9 72 तो 7225। ठीक है, 25। अब मुझे एक बात यस बताओ, ये जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो कौन सा नंबर लूँ मैं, 83 या 87? 87 87, एकदम परफेक्ट। ठीक है, आपको समझ गया आई थिंक, क्लियर है एकदम? यस चलो तो मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट आप लोग सॉल्व करो और अब देखेंगे कि आप कितना कम टाइम में सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, कितने कम टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो वो आपका मेन टास्क रहेगा। चलो निखिल, आवाज नहीं आ रहा है आपको? इसके
इनको वॉइस नहीं आ रहा है। चंदन कितना हुआ? हेलो। हाँ चंदन, हो गया पूरा लास्ट का वो कंफ्यूजन है 00 का? डबल जीरो का ना, ये 49 किसके पास में आता है? 49 किसका स्क्वायर है? 49 सेवन सेवन का, तो 70 आ जाएगा इसका आंसर, है ना? क्योंकि तो अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो ये दोनों नंबर एक ही इसमें आते हैं, जिसके लास्ट में 5 होता है या तो 0 होता है ना? तो इसका आंसर डायरेक्ट 70 आप लिख सकते हो। ठीक है, आंसर डिस्कस करें हम लोग। यस सर। ओके चलो बढ़िया। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा? बोलो बोलो। 8 है, 88 है, तो मतलब 90 तो आएगा, 94 आएगा, ठीक है ना? 94 या 96, तो ये वाला रॉन्ग है, ठीक है? सवाल बोलो बोलो। सॉल्व करके दिखाओ ना सर एक बार, ऐसा सॉल्व करके, चलो ठीक सॉल्व है। करके भी दिखाओ ना एक बार। तो 8836, तो लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में 88, 88 किसके पास में आता है? 81 के स्क्वायर के, और 81 यानी कि कितना? 9 हो गया, ठीक है?
अब नाइन में ये नहीं लास्ट में क्या है आपका, सिक्स है, सिक्स तो नाइन के सिक्स पीछे कौन से नंबर हो सकते हैं, सिक्स किसके पीछे में पीछे आता है, फोर या फोर के, सिक्स के, सिक्स एक फोर सिक्स या के भी सिक्स आता है और फोर के भी आता है, क्योंकि फोर फोर का के स्क्वायर 16 होता है और सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, तो दोनों के लास्ट में सिक्स आता है, ठीक है, बट दोनों में से कौन सा नंबर लू मैं, तो इसके लिए मैं 95 का स्क्वायर निकालूंगा, और 95 का स्क्वायर निकालना इजी आई थिंक, कितना आता है आंसर, अभी ये वाला जो नंबर है ये नंबर बड़ा है या छोटा है, छोटा है सर, तो छोटा है तो छोटा वाला आंसर, ठीक है 94 आ जाएगा, तो 96 इसमें गलत है, ठीक है। चलो अगर मैं इसमें आपको पूछूं कौन से दो नंबर मिले आपको, कौन से दो नंबर मिले, ये 125 किसके वन क्लोज वन में है, वन इलेवन वन वन टू एंड वन वन एट, हाँ 112 क्योंकि लास्ट में फोर है, और वन वन और किसके लास्ट में फोर आता है, एट 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 के, अब ये दोनों में से राइट कौन सा है, ये दोनों में से राइट कौन सा है, वन वन टू है वन ना, वन फोर वन वन फोर राइट है, टू राइट है, चलो दोनों जन दो अलग अलग आंसर दे रहे तो चेक कर लेते, तो आप सबसे पहले आंसर फोर किसका निकालोगे, 115 का निकालोगे, तो 11 12 होता है 132 25 होता है, बराबर है, हाँ तो क्वेश्चन का नंबर छोटा है इसलिए बड़ा वाला नंबर गलत है, छोटा वाला राइट है, ठीक है 112। अरे चलो अभी मैं लास्ट बार सॉल्व कर रहा हूं, एकदम अच्छे से देख लेना सभी लोग, लास्ट बार कर रहा हूं मैं, 125 44 सबसे पहले 125 के पास में किसका स्क्वायर आता है, 1 2 वन वन का, 11 का आता है ना, लेक्चर ले रहा हो पा, 11 का आता है ना स्क्वायर, चलो और लास्ट में क्या दिख रहा है मुझे, फोर दिख रहा है, फोर किसके लास्ट में आता है, टू के स्क्वायर के लास्ट में आता है और एट के स्क्वायर के लास्ट में आता है फोर, तो इसका आंसर या तो 112 आएगा या तो 118 आएगा, एकदम क्लियर है कि हम लोग इस नंबर से 11 लेते हैं और इस नंबर से लास्ट वाला नंबर लेते हैं, ठीक है एकदम क्लियर है, और अब कंपेयर करने के लिए इन दोनों के बीच का, मतलब हमेशा फाइव ही लेंगे, हमेशा बीच में फाइव रख के उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर निकालना आई थिंक बहुत इजी है, हमने सीखा है कि सर 11 के आगे आता है 12, 11 12 कितना होता है 132, तो टेबल्स अच्छे से आना चाहिए और फाइव का स्क्वायर, ठीक है, और जब मैंने निकाल दिया तो फिर ये नंबर को आप चेक करो कितना है, छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो आपका आंसर 112 आएगा, ठीक है, ठीक है एकदम क्लियर है, यस सर, चलो अभी दो क्वेश्चन और है मेरे पास, तो जरा उसको फिर से सॉल्व करते हैं, कौन सा नंबर लोगे, नाइन के पास में किसका किसका स्क्वायर आता है, 81 नहीं नहीं नाइन की, नाइन के आगे आप 93 का आता है ना, थ्री का है ना, थ्री का आता है ना, और लास्ट में वन किसके आता है, वन एंड नाइन तो आपने आंसर 31 बोला है या 39 बोला है, कौन सा आंसर निकाला, 31 क्योंकि जब मैं 35 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो 3 4 12 25 ये जो नंबर है क्वेश्चन का नंबर छोटा है इसीलिए ये वाला राइट आंसर है, ठीक है 31 है ना बराबर एकदम, यस सर, चलो और लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैंने ट्रिक के हिसाब से दिया है कि जैसे 72 किस नंबर के पास में आता है,
64 के पास है, मतलब 8 का स्क्वायर 8 के पास। हाँ, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? 5। और 5 किसके पीछे आता है? 5 का मतलब सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा, 85, है ना? और 49 का स्क्वायर, 49 के पास में किसका स्क्वायर है? 7 का, 7 का स्क्वायर है। और लास्ट में क्या है? 0, 0 का मतलब 0 ही आएगा। तो यही आपका आंसर बन गया। ठीक है, समझ गए सब लोग? ओके सर। चलो ठीक है, मुझे एक चीज और सिखाना है, तो टाइम जरूर हो गया, बट मैं एक चीज और सिखाऊंगा आप लोग को क्यूब रूट के बारे में। स्क्वायर रूट ठीक है, क्लियर है? अब ऐसे कम से कम आप कैलकुलेटर से कम क्या प्रॉपर रूल दे दीजिए ना, क्योंकि फिर अब प्रॉपर लिया था ध्यान में रूल दे दे दिए तो प्रॉपर रूल्स बोल रहे हो, मतलब स्टेप बाय। हाँ, प्रॉपर रूल्स तो अभी ऐसे लिखा हुआ तो कहीं पे भी नहीं है। नहीं बता, फर्स्ट टाइम ऐसा करो, सेकंड टाइम ऐसा। अरे इसलिए तो मैं बोल रहा था ना कि आप अपने लैंग्वेज में वो लिखो करके आपने यहाँ पे क्या कैसे आंसर निकाला है, है ना? वरना आप देखो यूट्यूब पे, अगर आप दोबारा देखोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मेथड यूज करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, चलो एक आखिरी चीज जो मुझे बतानी थी वो है आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने के कंपैरिजन में क्यूब रूट निकालना बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, आप स्टेप्स की बात कर रहे हो ना, चलो पहला स्टेप क्या था इसमें? सबसे पहला स्टेप हमने स्क्वायर रूट में क्या निकाला? डिवाइड किया। हाँ, सबसे पहले उसको तोड़ दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया हम लोग ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया था हम लोग ने? उसके बाद स्टार्टिंग के नंबर का क्लोज नंबर, क्लोज स्क्वायर ढूंढने की कोशिश की। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर स्टेप आपको लिखना है, तो स्टेप आप देखो कैसे लिख सकते हो कि सर 9604 है, तो आप सबसे पहले नंबरों को सर तोड़ देते हो। ठीक है, उसके बाद 96 के पास में किसका स्क्वायर आता है? सर 9 का स्क्वायर आता है। फिर इसके बाद क्या करते हो? सर ये जो 4 है वो कौन से स्क्वायर में आता है? सर 2 में आता है और 8 में आता है। फिर आप क्या करते हो? बीच में 95 रख के उसका स्क्वायर निकालते हो, 9 10 90 और 2 5। और लास्ट में क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो कि सर ये नंबर इससे बड़ा है तो आपका आंसर 98 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे अपने मन से भी वो स्टेप्स जो है लिख सकते हो। चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट हो गया क्यूब रूट, मुझे बस 10 मिनट और चाहिए। क्यूब रूट निकालना ज्यादा इजी होता है। स्क्वायर रूट का सबसे पहला स्टेप क्या था कि मैं लास्ट के दो नंबरों को अलग ले रहा था, राइट है, है ना? क्यूब रूट में लास्ट के 3 नंबरों को मैं अलग लूंगा। लास्ट के कितने नंबरों को अलग लूंगा मैं? 3 नंबरों को अलग लूंगा। चलो पहले तो मुझे बता दो कि ये बात बता दो कि 1 से लेकर 9 तक के क्यूब क्या होते हैं। चलो बोलते जाओ, अगर क्यूब आप लोगों ने याद किया है तो बोलते जाओ। 1 का 1 2 का 8 2 का 8। और लास्ट में 7 2 9। ठीक है, अभी क्यूब रूट निकालना इजी क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट का मैं 3 डिजिट मैंने अलग निकाल लिया, है ना? अभी 636 किस क्यूब के क्लोज में आता है? कौन से क्यूब के क्लोज में है 636, जो कि छोटा भी होना चाहिए? 9 9 तो बड़ा हो गया ना उससे, 729 तो बड़ा हो गया ना।
एट आएगा ना, हाँ एट के सर, एट 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 है ना, एट एट, क्योंकि एट का क्यूब उससे छोटा है, तो एट आ गया, ठीक है। और लास्ट में सिक्स किसके दिख रहा है आपको? सिक्स के, सिक्स के, सिक्स सिक्स के, तो के, इसका आंसर 86 आ गया, खत्म बात, ठीक है। चलो एक बार वापस समझते, चलो एक बार वापस समझते हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है और ये कितना इजी है। फॉर एग्जाम्पल 4744552 का मुझे क्यूब रूट, क्यूब रूट पहचानते हो ना, यहाँ पे थ्री लिखा होता है हमेशा, यहाँ पर थ्री लिखा होता है, इसका मतलब क्यूब रूट है वो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लास्ट के थ्री डिजिट, थ्री डिजिट अलग और बाकी के अलग, तो 474 के पास में किसका क्यूब आता है? 3 4 3 343, मतलब सेवन सेवन का, का, सेवन का। और लास्ट में टू किसके आता है? एट के, एट, तो इसका आंसर क्या बन गया? 78। एकदम सिंपल, मतलब स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में क्यूब रूट निकालना ज्यादा सिंपल है, पर आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब रूट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। Yes, चलो ये दो चीज को अच्छे से लिख लो, yes, फिर मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ, वो प्रैक्टिस करो और फिर स्टॉप करेंगे आज का लेक्चर, बस 10 मिनट और। तो मेरा जिस दिन का जो जो टास्क रहेगा वो हम लोग कंप्लीट करके ही लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। और वेरी गुड, आप तीनों yes, का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है, आप लोग आंसर भी बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हो, आई थिंक आप लोग को सिखाने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। बट एक जरूरी चीज कि आप लोग सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से एग्जाम क्रैक नहीं करने वाले, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना चंदन। एकदम जीके को स्किप हाँ नहीं यस कर सर, देना, थोड़ा सा लूसेंट का बुक खरीद लो और जीके भी पढ़ते जाओ। और निखिल और सादिया आप लोग यूट्यूब से ना इंग्लिश पढ़ते जाओ, वोकैबुलरी जो होती है ना वो थोड़ा सा याद करते जाओ, एमबीए में वैसे भी काम में आता है ना सादिया, तो इंग्लिश जो है इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ते जाओ। यस सर, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख दो कि सर आखिरी के 3 नंबरों को अलग कर देने के बाद जो शुरू के 3 नंबर, जो शुरू के नंबर है उसके पास का स्क्वायर ढूंढना है अपने को, सॉरी उसके पास का क्यूब ढूंढना है अपने को, और फिर जो आखिरी डिजिट है वो कौन सा स्क्वायर कौन से क्यूब में आता है, बस वो नंबर लिख देना, बात खत्म। अपने अपने लैंग्वेज में हिंदी मराठी जो भी है अच्छे से डिस्क्राइब कर दो उसको। चलो मैं क्वेश्चन लिख के दूं, 5 क्वेश्चन। यस सर, चलो आप बस डायरेक्टली मुझे आंसर बता देना, क्योंकि आंसर आई थिंक निकालना काफी सिंपल है इसका, बहुत सिंपल है। चलो पहला क्वेश्चन 2197 का क्यूब रूट। का क्यूब रूट वन टू वन सिक्स सेवन का क्यूब रूट। चलो ये 4 नंबर का क्यूब रूट मुझे बताना। अब पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहेगा आपको, बट अगर मैं पूछूं सबसे पहले आप क्या करोगे तो क्या बोलते हो, आप क्या बोलोगे सबसे पहला स्टेप? दो दो अलग कर दो, नहीं दो दो नहीं, एक क्यूब रूट निकाल रहे, तीन नंबर अलग, तीन और एक, लास्ट के 3 नंबर को अलग निकाल, लास्ट के 3। हाँ, अब जो भी बच गया उसको आपको अलग रखना है, कितना बचा, एक ही नंबर बचा, तो 2 के पास में किसका क्यूब आता है? अरे 2 के पास में, 2 के, एक का, 2 है, एक का है ना, 1 का आता है ना, वन है ना सादिया, 2 है ना वहां पे, हाँ,
तो वन के टू जो है वो इसके बीच में आएगा, तो लास्ट में क्या है दिख रहा है आपको, सेवन। तो सेवन सेवन का, सेवन किसके लास्ट में आता है, थ्री ठीक है, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 30। 30। अच्छा अब फिर से लास्ट में क्या है आपका, तीन नंबर, बाकी के नंबरों को अलग रख दो। 175 किसके क्लोज आता है, 175, 125, मतलब 5 के, फाइव के, और लास्ट में 6 किसके आता है, सिक्स के, फिफ्टी तो इसका आंसर, सिक्स चलो अब ये दोनों का आंसर आप लोग मुझे बताओ। 23 और 21। 23 चंदन बोल रहा है और 20 किस, इतने इसका कितना, 81, 81। 81। चलो सादी आपका आंसर क्या है और निखिल आपका आंसर क्या है, सर निकाल रहा हूँ। निकाल लो निकाल लो। सॉरी पहले सेवन देखते हैं, थ्री और ये किसके पास आता है, टू, 23, 167। 3, 1, 4, 4, 1, ये होगा भाई, 4, 1, 4, 4। चलो चलो फास्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आ जाना चाहिए आंसर अभी तक। आ गया सर, आ गया, यही आंसर है। बताओ किसका वाला, किसका वाला बताओ, 4, 5, 3, 1, 4। सो 5, 3, 1 अलग हो गया, 4, 4, 4, 4, 4, 1 अलग हो गया। 5, 3, 1 किसके क्लोज दिख रहा है आपको, 5, 3, 1 एट के, एट के क्लोज में दिख रहा है, तो फर्स्ट आएगा एट, और वन किसके लास्ट में आता है, वन वन के, तो 81 आपका राइट आंसर है एकदम, और 23 भी राइट आंसर है। ठीक है ठीक है, तो आज एकदम क्लियर हो गया फिर। हाँ तो चलो एक लास्ट चीज मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ, तो सादिया आपने नहीं किया है तो टेबल्स 25 तक, स्क्वायर आप लोग को 25 तक अच्छे से याद कर लेना है, और क्यूब आप लोग को 15 तक क्यूब याद करना है अच्छे से, ठीक है। और अभी आप कम से कम 20 क्वेश्चन स्क्वायर के सॉल्व करोगे, मतलब कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर से नंबर लिख लेना, कैलकुलेटर से नंबर लिख लेना और 20 क्वेश्चन सॉल्व करो स्क्वायर। ओके ओके म्यूट कर दो निखिल, म्यूट कर दो निखिल, म्यूट कर दो। चलो स्क्वायर रूट का भी आप कैलकुलेटर से आंसर लिख कर, मतलब कैलकुलेटर से क्वेश्चंस लिख कर उसके भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्यूब रूट के भी कैलकुलेटर से क्वेश्चन लिख कर उसके भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना बाद में, ठीक है ना, ठीक है। मैं शाम में भेजा तो चलेगा ना, चलेगा चलेगा, लेक्चर में कल है, लेक्चर जो रहेगा वो कल रहेगा 7 to 8 जैसे आज था मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, और उसके पहले आप लोग मुझे ये 60 क्वेश्चंस का वो आप स्क्रीनशॉट निकाल, मतलब फोटो निकाल के भेज देना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, अगर कुछ भी रहेगा तो आप लोग कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, चलो फिर सबको टेक केयर एंड आज के लिए गुड बाय बाय सर।